आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज क्लास स्टार्ट होने में भी बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आज का क्लास में हम लोग अपना ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर ले आज के आज। कल न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट, क्योंकि जितना फास्ट करेंगे, जितना हम लोग कवर करेंगे, उतना हम लोग एग्जाम अच्छे से पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम आप लोग को वीडियो लिंक भेजे थे, उसमें था हम लोग का शारीरिक विकास क्रियात्मक, यानी कि हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, केवल इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे हम लोग का ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आता है क्रिकेट में, और आता ही है, मस्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन, मोस्टली बहुत रेयर जो है 2 से 3 आता है, एक या एक ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, बहुत रेयर ही 2 या 3 क्वेश्चन आया। तो शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? तो शारीरिक विकास का मतलब क्या, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बालक के शरीर का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना, ग्रोथ होना, जिसको हम लोग मात्रात्मक रूप से देख सकते हैं, जिसको हम लोग मात्रात्मक रूप से क्या सकते हैं, माप कर सकते हैं, जो कि हम लोग वृद्धि और विकास में मात्रात्मक वृद्धि जिसको पढ़े वही हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, जिसमें बालक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। मोटर का मतलब हो गया बालक क्रियाकलाप करे, जैसे कि हम अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे मसल्स, हमारे ये गाल के जो मसल्स है ये हिल रहे हैं, हम अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं, हमारा मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स, हमारे मांसपेशियां जो है वो क्रियाशील है, वो कार्य कर रही है। तो ये हम लोग का क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, हम आप लोग को इसमें बता देते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या कि हम लोग का एक चीज दिया हुआ है आप लोग को, ये हम नोट्स व्हाट्सएप पे शायद इसका पीडीएफ बना के भेजा गया था, आप लोग इसको पढ़े होंगे। इसमें बोल रहा है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ये हम लोग को पता है, और उत्तर बाल्यावस्था में इसकी गति में मंदता आ जाती है, ये चीज भी हम लोग को पता है। उत्तर बाल्यावस्था में, पुनः किशोरावस्था में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि फिर से बालकों का शारीरिक विकास उसी तेजी के साथ होने लगता है, तो जिसे मनोवैज्ञानिकों ने तरुण विकास की अवस्था कहा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है किशोरावस्था, जिसको जिस अवस्था में पुनः बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, उसको उसने तरुण अवस्था कहा है, यानी कि पबर्टी ग्रोथ हम लोग का एज कहा है। इसके इसके बाद बालक का जो होता है शारीरिक विकास में मंदता आ जाती है, यानी कि जब बालक व्यस्तावस्था में, किशोरावस्था को क्रॉस करके बालक व्यस्तावस्था में जाता है, किशोरावस्था में बालक का हाइट हो गया, ये सब चीज, मांसपेशियों में मजबूत, अचानक से मसल बसल तेज हो जाएंगे, ठीक है, अचानक से ग्रोथ जो है ब्रेथ चौड़ाई बढ़ जाएगा, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा रैपिडली वहां पे बहुत चेंजेस आते हैं। इसके बाद जैसे बालक वयस्कावस्था में जा रहे हैं, तो वयस्कावस्था में वो सारी चीजें फिर से स्टॉप हो जाती है, मंद पड़ जाती है, धीरे पड़ जाती है, और फिर अंतिम अवस्था या वयस्कावस्था में बच्चों का क्या होता है, शारीरिक विकास जो है जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है, यानी कि किशोरावस्था में बालक का जो विकास हुआ या फिर व्यस्तावस्था के पहले दौर तक बालकों का जो विकास हुआ, वही विकास जो है वहां पे क्या होता है, रुक जाता है, और बुढ़ापे तक वही उसका जो है शरीर का ढांचा रहता है। ठीक है, हाँ, उसमें वजन में बढ़ोतरी हो सकती है, चौड़ाई में मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है, मोटापा बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का हाइट या फिर उस इंसान का हाइट बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ेगा, हाइट वो का वो अंतिम स्टेज होता है, उसे स्टेज तक हाइट बढ़ता है, इसके बाद से हाइट जो है वो बुढ़ापे तक उसका हाइट जो है बरकरार रखता है। ठीक है, वजन बढ़ेगा, वजन में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी हाइट में कभी भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हम लोग का शारीरिक विकास, जो कि हम लोग विकास में भी टॉपिक पढ़े हुए थे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, शरीर का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है, मसल मांसपेशियों का वृद्धि होना, ये सब हम लोग का शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। मेन हम लोग को टॉपिक इसमें जानना है क्रियात्मक विकास होता है। उस दिन आप लोग को हम ब्लैक बोर्ड पे उस चीज को बताए थे, क्लियर किए थे कि क्रियात्मक विकास को हम लोग कई नामों से जानते हैं। क्रियात्मक विकास हो गया, उसको हम लोग सॉरी क्रियात्मक विकास हो गया, इसको हम लोग गत्यात्मक विकास भी कहते हैं, इसको हम लोग गामक विकास भी कहते हैं, और इसको हम लोग पेशीय विकास भी कहते हैं। एक ही का नाम है, क्रियात्मक विकास को ही हम लोग पेशीय विकास भी कहेंगे, हम लोग गत्यात्मक विकास भी कहेंगे, हम लोग गामक विकास भी कहेंगे, ठीक है, इसी का हम लोग
इसी सबका एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। अंग्रेजी में इन सब को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, मोटर टर्टल। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो इंग्लिश नाम देख लेना है मोटर डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए क्रियात्मक विकास की जगह कार्यात्मक विकास लिख दिया है, या कार्यात्मक विकास की जगह पेशीय विकास लिख दिया है, या गामक विकास लिख दिया है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग को जान लेना है कि इन सब का एक ही नाम क्या है, मोटर डेवलपमेंट। इंग्लिश नाम देख लेना है। क्वेश्चन में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पैटर्न में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग का क्रियात्मक विकास या गामक विकास या मोटर विकास में होता है क्या कि यह जो होती है ये दूसरी तरह की का विकास होता है। बच्चे कितना एक्टिव है, कितना क्रियाशील कर रहे हैं, अपने अंगों के द्वारा क्या क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य हम लोग अगर जानेंगे कि मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं में समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। जैसे कि आप लोग को शैशवावस्था जब हम पढ़ा रहे थे तो एक चीज आप लोग को बताए थे कि बच्चे जो है शुरुआती दौर में शैशवावस्था में बच्चों को जब चीज पकड़ाया जाता है तो उनमें उनको पकड़ने की उसमें क्षमता नहीं होती है, क्षमता का बात नहीं है, उसमें क्रियात्मक कौशल नहीं होता है, उस पेंसिल को कैसे पकड़े या फिर जो भी चीजें हैं उसको कैसे पकड़े, उस चीज को पकड़ने की उनमें क्रियात्मक कौशल नहीं होती है। ठीक है, धीरे धीरे वही चीज को बच्चा अच्छे से पकड़ने लगता है, छोड़ने लगता है, ठीक है, उसको फेंकने लगता है, उसको उछालने लगता है। तो ये सब क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। शुरुआती दौर में बच्चे को आप हाथ में कुछ भी पकड़ाइएगा तो बच्चा को उसमें पकड़ने की भी क्रियात्मक कौशलता नहीं होती है, वो सही तरीके से उसको नहीं पकड़ता है, या फिर पकड़ लिया अगर बाय चांस तो उसको इतना उसमें कौशलता नहीं होती है कि उसको ऐसे खोला जाएगा तो वो हमारे हाथों से निकल जाए। ठीक है, मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, छोटा शैशवावस्था का बालक वो सोते सोते अपने बालों को ही पकड़ लिया और बालों को पकड़ के खींच रहा है और वह निरंतर रोए जा रहा है, उसको दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो निरंतर रोए जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी कौशलता नहीं है, इतना उसमें संज्ञान बुद्धि नहीं है कि वो अपनी मुट्ठी को खोल देगा तो वह बाल छूट जाएंगे और उसका दर्द कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुट्ठी को अपने मसल्स को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, इसको ऐसे बांधा जाता है, इसको ऐसे खोल सकते हैं शुरुआती दौर में। ठीक है, धीरे धीरे इसमें कुशलता आती है तो उसको बांधा जा सकता है, उसको खोल सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी वस्तु को फेंक सकते हैं, फेंकने के लिए कैसे हम लोग किस प्रकार की आत्मा कौशल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी कोई वस्तु दूर से फेंकी जा रही है तो उसको किस तरह से कैच करेंगे, तो यह क्रियात्मक कौशल जो है बालकों में क्या होती है, धीरे धीरे समय अनुसार आती है। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास को हम लोग अगर परिभाषित करेंगे तो हरलॉक नामक हम लोग के मनोवैज्ञानिक है, इनके भाषा में अगर इसको परिभाषित करें तो ये हरलॉक जी क्या कहते हैं कि मांसपेशियों तंत्रिकाओं तंत्रिका केंद्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास है। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है सारा, तो हमारा जो भी बॉडी वर्क करता है सबका कनेक्शन क्या है, सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, हम लोग का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ना हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि नर्वस सिस्टम हमको ऑर्डर देता है। सपोज दैट हम अभी बोल रहे हैं या हाथ पैर चला रहे हैं तो कौन हमको ऑर्डर दे रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम हमको ऑर्डर दे रहा है। चाहे मान लीजिए अभी सामने से हमारे पास कुछ ऐसा कुछ जानवर आ जाए तो हमें पैरों को हटाना है, ठीक है, या फिर वहां से पैर ऊपर करने हैं, तो ये भी तो हमें नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर देता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो तंत्रिका तंत्र यानी कि क्रियात्मक हम लोग का विकास जो होता है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट होता है, नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे हरलॉक की हम लोग का यही परिभाषा दे रहे हैं कि मांसपेशियों यानी कि हमारे मसल्स, हमारे तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों से समन्वित क्रिया द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना ही क्या है, हम लोग का क्रियात्मक विकास है। यानी कि जो भी हम लोग का बॉडी एक्टिविटीज होता है, जो भी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, उन सब का कंट्रोल क्या है, तंत्रिका तंत्र के हाथों में है। मांसपेशियों में जो कुछ भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो हमको हमारा नर्वस सिस्टम हमको ऑर्डर दे रहा है, हम बोल रहे हैं वो हमको हमारा नर्वस सिस्टम ऑर्डर दे रहा है, हम देख रहे हैं वो हमको हमारा नर्वस सिस्टम ऑर्डर दे रहा है। तो इन सब का एक ही समन्वित रूप अगर देखा जाए तो वो क्या है, हम लोग का तंत्रिका, वो है हम लोग का नर्वस सिस्टम। जैसे कि बोल रहा है कि हम लोग का, जैसे कि शिशु के हाथ या पैर
कि मांसपेशी तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती है पर उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वय होता है। माता के गर्भ में ही बालकों का हाथ पैर ये सब चीज ग्रो कर जाता है, लेकिन उनको क्रियात्मक रूप से समन्वित करना या फिर एक्टिव करना, इसका कार्य कब होता है? जब बालक जो है जन्म के उपरांत उनमें क्रियात्मक कौशल आता है तब, यानी कि जब उनका नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां सबके बीच में एक कनेक्शन बैठता है, जिसको हम लोग एकीकरण का भी सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, सबके बीच में, ठीक है, हाथ पैर, जैसे कि अभी हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हाथ पैर हिला भी रहे हैं, सामने कोई बोल रहा है उसकी बातों को भी हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम एक साथ इतने सारे जो कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमारा हर एक ऑर्गन जिस जिसके माध्यम से हम जानकारी ले रहे हैं या दे रहे हैं सब एक्टिव है, और सबको हम एक साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके रखते हुए हैं, सबको सबको एक साथ समन्वित करके रखते हुए हैं, जिसके कारण हम सारे अंगों से अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्रिकेट मैन ही होता है, क्रिकेटर जो होता है, तो क्रिकेटर जो होता है अपने तंत्रिका अपने सेंस ऑर्गन को भी एक्टिव रखा है, आंखों से देख रहा है कि कहाँ से बॉल आ रही है, अपने हाथ पैर को भी वो एक्टिव रख रहा है कि हमको बॉल आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, कहाँ से आ रही है, हमको क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है, मारना है, इसके बाद मारते ही तुरंत हमको अपने पैरों से एक्टिव होकर भागना भी है, तो वो सबको क्या कर रहा है, सबको सारे अंगों को सारे मांसपेशियों को एक साथ समन्वित कर रहा है, और इसके बाद वह क्रियाशील है, एक्टिव है, मोटरली वो एक्ट कर रहा है, डेवलप अपने मोटर डेवलपमेंट को वो क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक ढंग से समन्वय होता है और शिशु में हाथ पैर के सहारे चलना, फिर उसमें पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होता है। पहले क्या होता है, पहले समन्वय थोड़ा होता है, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो थोड़ा होता है, पहले धीरे शिशु धीरे 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 चलता है, गुटक के चलता है, फिर धीरे 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 उनके बीच में जो कहना है जो हम लोग का समन्वय का क्रिया है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, शिशु और अच्छे से चलने लगता है, पहले किसी चीज को पकड़ के चलता था, अब इजिली जो है हाथ को छोड़कर वह क्या करता है, चलने लगता है। तो इस प्रकार से बालक जो होता है अपने सारे अंगों के बीच एक तरह से समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग वहां पे विकास और वृद्धि पढ़े थे, तो विकास क्या है, एक विस्तृत रूप है और वृद्धि उसका एक छोटा पार्ट है, उसी तरह से यहाँ पे भी शारीरिक विकास जो है पूरे बॉडी का विकास, उसी में क्रियात्मक विकास जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वह शारीरिक विकास का ही एक भाग है, तो हम लोग का शारीरिक विकास जो होगा, क्रियात्मक विकास जो होगा, वह शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा, परंतु इसका सीधा सीधा असर बच्चों के अन्य विकास पर भी पड़ता है। ठीक है, वैसे सभी क्रियात्मक ऊर्जा की खपत और परिपक्वता की आवश्यकता, अगर हम लोग देखें, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके मांसपेशियां कमजोर हैं, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं, तो बच्चे लुढ़क कर चलते हैं या इधर उधर सही से नहीं चल पाते हैं, चलने के दौरान गिर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है मसल्स में, तो बच्चे उसी चीज को अच्छे से चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बालकों के हाथ पैर का चलना, बैठना, उठना, गुटकना, ये सब चीज हम लोग का क्रियात्मक विकास, इसमें बच्चा एक्टिवली वर्क कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, बोल रहा है, जहां पे उसकी मांसपेशियां क्या कर रही है, एक्टिवली वर्क कर रही है, वो सब हम लोग का क्या आएगा, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो सब का सब हम लोग का क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। इस क्रियात्मक विकास के हम लोग के कुछ सिद्धांत है, एक मिनट
क्रियात्मक विकास के हम लोगों के कुछ सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं क्या क्या हम लोग के ये सिद्धांत है। जैसे कि क्रियात्मक विकास जो होता है मांसपेशी होता था, तंत्रिका तंत्रिकाएं जो हम लोग की होती है उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी कि मैच्योरिटी पर, यानी कि मोटर डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द हम लोग का न्यूरल और मस्कुलर मैच्योरिटी। ठीक है, न्यूरल और मस्कुलर मैच्योरिटी पे ये डिपेंड करते हैं, इन दोनों पे ये डिपेंड करेंगे। दूसरा बोल रहा है कि किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक बालक पूर्ण रूप से करने के लिए परिपक्व ना हो जाए। मतलब बालक में क्षमता ही नहीं है। हम एक बाल्यावस्था के बालक को, मान लीजिए 4 से 5 साल के बालक को अगर मोटरसाइकिल ड्राइव करने के लिए दे दें तो क्या वो ड्राइव कर लेगा? उसमें उतनी मेच्योरिटी ही नहीं है, उसकी मांसपेशियों में इतना ताकत ही नहीं आया कि वो चीज को वो ड्राइव कर पाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि जब तक उसमें पूर्ण रूप से मेच्योरिटी नहीं आती है, निपुणता नहीं आती है, तब तक बालक जो है उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, लर्निंग ऑफ मोटर स्किल कैन नॉट अकर अंटिल द चाइल्ड ऑफ इज मैच्योरेशनली रेडी। ठीक है, जब तक बच्चे में परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं आएगी तब तक बच्चा उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए अभी 10th क्लास का कोई बच्चा है, उसको अगर मान लीजिए बोलेंगे कि चलो तुम सीटेट की तैयारी करो, तो वो बच्चे में उतनी मेच्योरिटी नहीं है, उतनी परिपक्वता नहीं है, वो इस चीज को अभी समझने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब जिसका टाइम होता है, जब जैसे जब समय अनुसार जब उसमें मेच्योरिटी आती है तभी उस कार्य को करने में वो सक्षम होता है। थर्ड बोल रहा है कि क्रियात्मक विकास के एक हम लोग के पूर्ण रूपेण पैटर्न होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक विकास जो होता है हम लोग का एक पैटर्न के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है हम लोग का जितना भी विकास होता है, आप लोग ये चीज को ध्यान रखिए, जितना भी विकास होगा, चाहे हम लोग का क्रियात्मक विकास हो, चाहे हम लोग का शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, जो भी विकास हम लोग का होता है सब एक पैटर्न के थ्रू होता है। ठीक है, चाहे भाषाई विकास हो, सब एक पैटर्न के थ्रू होता है। तो क्रियात्मक विकास का भी हम लोग का क्या होता है, अपना एक पैटर्न होता है, वो एक पैटर्न के थ्रू ही आगे मूव करता है। अगला हम लोग का पॉइंट बोल रहा है क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। मानक का मतलब होता है नॉर्म्स, कुछ रूल और रेगुलेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जिम जाना जब चाहते हैं, जिम जाके हम लोग बनाते हैं अपने बॉडी को फिट रखते हैं, तो वो क्या है, नॉर्म्स ही ना है, एक रूल रेगुलेशन ही है ना। बालक का विकास जिस प्रकार से हो रहा था, जैसे नेचुरली हो रहा था, उसको हम लोग नेचुरली ना करके हमने जिम ज्वाइन किया, सही डाइट का यूज किया, तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है हमारे नॉर्म्स के अनुसार, हमारे रूल रेगुलेशंस के अनुसार अब बॉडी जो है ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हमको मसल्स जो है बहुत ज्यादा निकले हुए चाहिए, तो हम उसमें उस प्रकार के हम क्या कर रहे हैं, डेली जिम्स कर रहे हैं, वैसे डाइट ले रहे हैं, तो उस अनुसार हमारा बॉडी फीचर्स बन रहा है या फिर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है, यानी कि क्रियात्मक विकास के लिए हम लोग नॉर्म्स बना सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, जिम ज्वाइन करके अपने बॉडी फीचर्स को चेंज कर सकते हैं, डाइट के आधार पर चेंज कर सकते हैं, या फिर डाइटिंग करके भी हम लोग क्या करते हैं अपना बॉडी का स्ट्रक्चर कम कर लेते हैं, वेट कम कर लेते हैं, ठीक है, हेल्थ कम कर लेते हैं, करते हैं ना, तो ये सारी चीजें जो है नॉर्म्स के अंतर्गत आएंगी हम लोग। अगला बोल रहा है कि क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता, हर किसी के क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, कोई भी एक या दो इंसान जो है क्रियात्मक रूप से एक समान नहीं हो सकता है, क्रियात्मक विकास में विभिन्नता हमें नजर आएगी नहीं आएगी। अगला बोल रहे हैं हम लोग का क्रियात्मक विकास हमेशा क्रमानुसार होता है, जो कि अभी अभी हम बताएं वो सब समय क्या होगा, ऑलवेज भी एक सीक्वेंस में चलेगा, एक पैटर्न में चलेगा, बिना सिक्वेंस और पैटर्न के वो नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि बालक का क्रियात्मक विकास हमेशा एक क्रम में ही होगा और विकास सिर से पैर की ओर ही होगा, जो कि हम लोग सिरा पदामुखी सिद्धांत पढ़े थे ना, यानी कि सबसे पहले माता के गर्भ में भी बालक का क्या विकसित होता है, माता बालक का सिर विकसित होता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, फिर धड़ बनता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, तो इस तरह से धीरे 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 बालक का विकास होता है। तो बालक का जो होता है क्रियात्मक विकास क्या होता है, एक सिक्वेंस में होता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा, बालक का सिर विकसित होगा, इसके बाद उसके हाथ और पैर बनेंगे, यानी कि सबसे पहले बालक का सिर विकसित होगा और बालक जो है सबसे पहले देखिएगा
जो नवजात शिशु होता है सबसे पहले अपने सिर को ही उठाता है, ठीक है, सबसे पहले वो अपने सिर को ही उठाने की कोशिश करता है। तो सिर द्वारा संचालित होने वाले क्रियाकलापों पर नियंत्रण हासिल करेगा। जैसे कि सिर में हमारे जो भी है, आंख है, नाक है, मुंह है, इन सब में वो क्या करता है, पहले जो है समन्वय बनाने की कोशिश करता है। शुरुआती दौर में बालक को आप कोई चीज दिखाइएगा या ताली बजाइएगा तो आपकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि इन सारे मांसपेशियों पर उस समय उसमें कुशलता नहीं है, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे मूव करना है, ऐसे यहाँ से साउंड आ रहा तो यहाँ मूव करना है, तो वो चीज उसमें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये कुशलता उसमें बाद में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो, क्योंकि सिर सबसे पहले डेवलप हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले वो सिर में जो भी हम लोग के अंग है, जैसे आंख, नाक, मुंह, कान, इन सबको वो क्या करता है, सबसे पहले एक्टिव करता है, इन सब के माध्यम से सबसे पहले वो कार्य शुरू करता है। इसके बाद फिर वह उसका विकास जो है धड़ से होगा, और इसके बाद बालक हाथ पैर इन सब में अपना समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। इसके बाद पहले पूरे हाथ को, फिर पूरे पैर को, इसके बाद हाथ की उंगलियों को, धीरे धीरे पैर की उंगलियों को, इन सबको वो धीरे धीरे इन सब में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग का सिक्वेंस में सारा विकास होते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। अगला बोल रहा है कि गात्यात्मक विकास, सॉरी, गात्यात्मक विकास या ज्ञातात्मक कौशल। इसमें बोल रहा है कि गात्यात्मक विकास में हाथ पैर और शरीर की अन्य मांसपेशियों के इस्तेमाल में ताकत, गति, ठीक है, और सटीकता का विकास शामिल होता है। अब एक छोटे बच्चे को, शैशवावस्था का बालक है, चाहे मान लीजिए 5 से 6 साल का ही बालक है, उसको 10 kg का कोई सामान उठाने को, वजन उठाने को दे देंगे तो क्या वो बालक उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उस वजन को उठा पाए, उस वजन को वो कैरी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का कि विकास हम लोग का तभी होगा जब बालक उसके अनुसार जो है उसकी मांसपेशियों में शक्ति या उसकी मांसपेशियों में मैच्योरिटी हमें नजर आएगी, अब हम जिसकी वजह से क्या होता है, कार्य कुशलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक में मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे बालक क्या होगी, कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पहले हम आप लोग एक एग्जाम्पल दिए थे कि पेंसिल को पकड़ने का है, शुरुआती दौर में बालक को पेंसिल पकड़ने नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो वो सही से पेंसिल पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। कैसे वस्तु को, मान लीजिए कुछ लिखा है उसको इरेज करना है, तो पेंसिल रबर इरेजर को पकड़ के कैसे उसको इरेज करना है वो उसको आ जाता है, लेकिन जब वही बालक छोटा रहेगा तो उसको इरेज करने नहीं आएगा, इरेज करते करते वो पेज को फाड़ देगा। तो ये कुशलता जो है धीरे 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 समय अनुसार बालक में क्या होती है, आती रहती है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कितने सारे नामों से, गात्यात्मक कौशल, ठीक है, पेशीय कौशल, क्रियात्मक कौशल, गामक कौशल, इन सब नामों से हम इसको जानेंगे। और इसमें क्या होता है, सिर और आंखों का संचलन, यानी कि सिर और आंख के बीच में कॉम्बिनेशन बैठाना, वस्तुओं का हस्त कौशल, बैठना, खड़ा होना, चलना, ये सारे के सारे कौशल इसमें शामिल हो जाते हैं। आंख की पुतलियों को सही दिशा में, कहीं से साउंड आ रहा है तो उस दिशा में घुमाना, ठीक है, साउंड यहाँ से आ रहा है तो सिर को इधर की तरफ घुमाना, ये सब हम लोग का क्रियात्मक कौशल में आ जाएगा। कोई अगर बुला रहा है तो उसको हाथों से इशारा करना, उसको किसी चीज को पकड़ना, ये सब का सब हम लोग का क्या आ जाएगा, क्रियात्मक कौशल में आ जा रहा है। जहाँ पे बच्चे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई ना कोई हमको क्रिया दिख रही है, ये सब हम लोग का क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेन हम लोग का यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक कौशल होते कितने प्रकार के। क्रियात्मक कौशल हम लोग के 2 प्रकार के होते हैं, उस दिन हम ब्लैक बोर्ड पे भी इस चीज को क्लियर बताए थे थोड़ा। एक क्रियात्मक कौशल हम लोग के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हम लोग का स्थूल, ठीक है, कौशल, और दूसरा होता है हम लोग का सूक्ष्म कौशल। एक क्या होगा हम लोग का स्थूल कौशल और दूसरा क्या होगा हम लोग का सूक्ष्म कौशल, ठीक है। स्थूल का मतलब होता है विस्तृत, बड़े पैमाने पे, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। स्थूल का मतलब क्या होगा, विस्तृत, बड़े पैमाने पे, और सूक्ष्म का मतलब होगा छोटा। या 2 प्रकार के हम लोग के कौशल होते हैं। तो स्थूल कौशल में क्या होता है कि जिस कौशल में, जिस कुशलता में हम लोग देखेंगे बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, ठीक है, जहां पे हमारी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही हैं और बड़ी मांसपेशियों के द्वारा हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो है बड़ी मांसपेशियों को नियंत्रित कर रहा है, वो हम लोग का स्थूल कौशल के अंतर्गत आ जाएगा।
कि बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो उसमें पैर की मांसपेशियां काम कर रही है, ठीक है। दौड़ में बालक का पैर ही ना काम वर्क कर रहा है, तो उसकी पैर की मांसपेशियां काम कर रही है, बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, तो वो हम लोग का किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो हम लोग का स्थूल कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। और सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत हमारे सूक्ष्म क्रियाएं आती है जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती है, ठीक है। छोटे छोटे मांसपेशियां जहाँ के काम कर रहेंगी वो हम लोग का स्थूल सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम पेन से कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पे हमारी ये दो अंगुलियों की मांसपेशियां ही केवल काम कर रही हैं, तो जब हमारा यह छोटा मांसपेशी जहाँ वर्क कर रहा है ये हमारा सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आ रहा है। हम दौड़ रहे हैं, हम कहीं ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, विस्तृत पैमाने पे हमारा बड़ा बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, वो हमारा स्थूल कौशल हो गया। हम लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म मांसपेशियां काम कर रही है। हम अपने आंखों को इधर से उधर घुमा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी सूक्ष्म मांसपेशियां काम कर रही है, ठीक है। तो जहाँ पे छोटी मांसपेशियां काम करती है वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है, जहाँ पे बड़ी मांसपेशियां काम करती है वो हमारा क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल। जैसे कि उछलना स्थूल गति कौशल में आ जाएगा, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, सीढ़ियों पर चढ़ना हो गया, उतरना हो गया, तैरना हो गया, यहाँ सब में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, तो इसको हम लोग स्थूल गति कौशल कहेंगे, ठीक है। सूक्ष्म गति कौशल में हम लोग का हो गया ब्लॉक बनाना, यानी कि छोटे छोटे जो खिलौने नहीं होते हैं ब्लॉक बच्चे बनाते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा हम लोग का मांसपेशी वर्क नहीं करता है, छोटी मांसपेशियां काम कर रही है। तो ब्लॉक बनाना, उंगलियों की सहायता से छोटी वस्तुओं को उठाना, मान लीजिए कोई पेन पड़ा हुआ है तो पेन को उठा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे छोटी मांसपेशियां काम कर रही है। तो ये हो गया हम लोग का सूक्ष्म गति कौशल में। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ रहे हैं तो जबड़ा हम लोग का जो है बोल रहा है, यहाँ पे भी छोटी मांसपेशियां काम कर रही, तो ये सब सूक्ष्म मांसपेशियों के अंतर्गत आ जाते हैं, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एक नोट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें दिया गया है कि क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है, परंतु यह एक क्रम का पालन करती है। हर एक व्यक्ति में क्रियात्मक विकास में आपको विभिन्नता नजर आएगी। हर एक व्यक्ति एक तरह से काम नहीं करेगा, हर किसी के काम करने का तरीका अंदाज क्या होगा, अलग ही होगा, लेकिन सबका सीक्वेंस एक होगा, ठीक है। चाहे मेरा है, चाहे निशांत जी का है, चाहे पूजा जी का है, हम सबका क्रियात्मक विकास एक तरीके से ही हुआ होगा। हमारा सबसे पहले सिर वृद्धि किया होगा, सिर के बाद घर ग्रोथ किया होगा, इसके बाद हाथ से हम पैर बढ़े होंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहले घुटकते चलना सीखे होंगे, इसके बाद फिर हम लोग किसी वस्तु को पकड़ के खड़े होना सीखे होंगे, इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे चलना सीखे होंगे। तो होगा एक सिक्वेंस में, लेकिन सबका क्रियात्मक विकास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। हम जिस वस्तु को जिस तरीके से बोल रहे हैं या फिर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पूजा जी या गायत्री जी उस तरीके से काम करें, उनके तरीके करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक विशेष दिशा का भी पालन करते हैं ये जो होता है, एक सीक्वेंस में चलते हैं और एक विशेष दिशा का पालन करते हैं। एक विशेष दिशा में आप लोग को क्या संकेत हो रहा है, किस दिशा का पालन करते हैं, सिर से पैर की दिशा का पालन ये करते हैं, सिरा पदमुखी सिद्धांत का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हम लोग का स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी आपको नोट में लिखवाए थे क्लास में हम, कि हम लोग का बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये चीज हम आप लोग को बताए थे कि पहले बालक पूरा हाथ पैर पटकता है बेड, इसके बाद धीरे धीरे वो अपने अंगों में एकीकरण करना सीखता है, इसके बाद धीरे धीरे हाथ को उंगलियों को इन सब पे कंट्रोल करता है। लेकिन पहले बालक पूरे शरीर को अंगों को पटकना पटकेगा क्योंकि उसका स्थूल विकास हो रहा है, इसके बाद धीरे 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 समन्वय करने के बाद उसमें सूक्ष्म गति कौशल आता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चा पहले स्थूल मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा, यानी कि बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करेगा, ठीक है, और इसके करके स्थूल क्रियात्मक करेगा, और इसके बाद में ही वह सूक्ष्म क्रियात्मक में निपुणता हासिल करेगा। ये था हम लोग का नोट। इसमें दो क्वेश्चन बन गया, पहला तो कि बालक का जो है शारीरिक या क्रियात्मक विकास जो है किससे किस दिशा की तरफ जाता है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ यानी कि पहले हम लोग का
बड़ी मांसपेशियां काम करती है, इसके बाद वो धीरे 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 छोटी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, और एक और इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है हम लोगों का कि क्रियात्मक विकास जो होता है हम लोग का, चले गए हम, एक सीक्वेंस में और एक क्रम में चलता है। ठीक है, जो भी होगा क्रमानुसार चलेगा, लेकिन सब में क्रियात्मक विभिन्नता नजर आएंगी। सबका जो है क्रियात्मक विकास जो होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, सब एक ही क्रम का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी सब में क्रियात्मक कौशल में क्या होगी, हर एक व्यक्ति में विभिन्नता नजर आएंगी आएगी। ये था आप लोग का क्रियात्मक विकास, इतना ही टॉपिक था इसमें और कुछ भी नहीं था। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आता है ये चीज हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आएगा ना कि एक बालक जो है मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें वह किस गति कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, सूक्ष्म गति कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या स्थूल गति कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर दो कोई और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो हमको पता है जब बालक पिंड में फुटबॉल खेल रहा है तो उसमें उसकी बड़ी मांसपेशियां काम आ रही है, यानी कि बालक जो है स्थूल गति कौशल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये क्वेश्चन हम लोग का सेकंड में आया कि दिखना किस गति कौशल के अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगा या हम लोग का स्थूल गति कौशल के आएगा, किसके अंतर्गत आएगा निशांत जी, दिखना सूक्ष्म, लिखना सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बोलना किसके अंतर्गत आएगा पूजा जी, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना किस गति कौशल के अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म या स्थूल, स्थूल में बोलना स्थूल में आएगा, बोलने में हम लोग की बहुत ही बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है। अच्छा ये बताइए उछलना किस गति कौशल के अंतर्गत आएगा, उछलना स्थूल, जहां पे हमारी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही हैं वो हमारा स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आ रहा है, जहां हमारी छोटी मांसपेशियां काम कर रही हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बस दोनों में अंतर रखना है। स्थूल का मतलब ही होता है विस्तृत बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होगा, विस्तृत बड़ा। ठीक है, और सूक्ष्म का मतलब छोटा यानी कि फाइन मोटर डेवलप। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। यस मैम। तो ये हम लोग का आज का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, आज का टॉपिक आज ही के दिन कंप्लीट हो गया। कल हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है हम लोग का एनवायरमेंट एंड हेरिटेज, वो भी हम लोग का बहुत इजी टॉपिक है, और इजी होने के साथ साथ इसमें आप लोगों को ऐसा ट्रिक बता देंगे कि इसका आया हुआ कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत होगा नहीं, जो भी इसका क्वेश्चन आएगा आप लोगों का ऑलवेज राइट होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को एनवायरमेंट और हेरिडिटी वाला जो कल बताएंगे उसका हम आप लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, एक बार आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा। मैम आप किसमें भेजते हैं, मैम हम नहीं भेजते, निशान सर, ये मनीष सर भेजते हैं। मैम अभी तक एक भी नहीं आया। मैम नहीं आया है सर, उस दिन पीडीएफ बनाए थे, सर उस दिन पीडीएफ बनाए थे। अच्छा ठीक है, हम सर से बात करते हैं। ठीक है, हम आज वाला और कल जो पढ़ाएंगे वो वाला हम दोनों बोलेंगे सर को भेज, क्योंकि इस चीज को आप लोग एक बार रैंडमली पढ़ भी लीजिएगा ना, तो हम जो बताएंगे तो आप लोग के माइंड में वो अच्छे से घुसेगा कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या क्या बताया। एक बार केवल आप लोग रीडिंग भी करके आइएगा तो उस चीज को आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आप लोग किसी को कोई क्वेश्चन है, आज जो पढ़ा कोई क्वेश्चन है, आज वाला टॉपिक बहुत लेंथी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं है, इसमें मोस्टली एक बार क्वेश्चन आया था कि लिखना किस गति कौशल के अंतर्गत आता है,
एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में कि दौड़ना किस गति कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये दो बार का क्वेश्चन तो हम देखे हैं और इससे पहले भी एक दो बार क्वेश्चन इससे आया, इसे एक क्वेश्चन रहता ही है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैम एक दिन का सैटरडे ईवीएस रख दीजिए ना मैम, दो पेपर कंप्लीट हो गए। ईवीएस रखना चाहते हैं लेकिन आप लोग के पास ईवीएस का बुक होना चाहिए, बिना इसका चलिए हम आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है, लेकिन ईवीएस के लिए तो आप लोग के पास बुक होना चाहिए ना, उसको आप लोग को अंडरलाइन करना है उस चीज को बुक में। हम व्यवस्था कर लिए मैम। आप कर लिए हैं? आप क्या कर लिए? पूजा जी आपका मैम कल आ जाएगा मैम, अभी तक मिला नहीं। चुप रहो, ठीक है। आज हम लोग का थर्सडे हो गया ना, कल फ्राइडे हम लोग एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी पढ़ेंगे और सैटरडे हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, सैटरडे आप लोग ईवीएस की बुक लेके आइएगा, ईवीएस की बुक क्लास थ्री की। पहले क्लास थ्री से स्टार्ट करते हैं, क्लास थ्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, स्टार्ट हम लोग पहले क्लास थ्री से ही करते हैं। क्लास फोर, क्लास थ्री, हाँ क्लास फोर की जो बुक है ना उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्लास फाइव का बुक से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लास फोर की बुक से बनता है, उसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनता है उससे, ठीक है। पहले हम लोग क्लास थ्री पढ़ लेते हैं, हम लोग लगता है हार्डली हम लोग क्लास थ्री जो है एक सप्ताह में कम्प्लीट करते हैं। फाइव का जरूरी नहीं ना मैम? सब जरूरी है, सब जरूरी है, थ्री भी पढ़ना है, फोर भी पढ़ना है, फाइव भी पढ़ना है। हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछता है, तो क्लास फोर के बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन बनता भी क्लास फोर के बुक से ही, ज्यादा क्वेश्चन बनता भी क्लास फोर, सबसे कम क्वेश्चन बनेगा क्लास थ्री के बुक से। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, पढ़ना हमको सबको है, क्योंकि कब किससे क्या क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। हम आप लोगों से जब हम आप लोगों को एक बार पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, एकदम छोटा छोटा मिस्टेक। बुक में दिया हुआ है कि हाथी जो होते हैं, ठीक है, हाथी के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि 14-15 साल की उम्र के नीचे के होते हैं, और हाथी एक बार में 100 केजी पत्ते जो है खा जाती है। अब इस क्वेश्चन को, ये है हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को सीटेड में आपका घुमा के दे देगा, एकदम थोड़ा सा गलती दे देगा। गलती क्या कर देगा कि हाथी जो है एक दिन में कितना केजी पत्ते खा जाती है, दे देगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन सही भी रहेगा, 100 केजी पत्ते खा जाती है, 110 केजी पत्ते खा जाती है, ठीक है, 200 केजी पत्ते खा जाती है, 500 केजी पत्ते खा जाती है, वहां पे जानते हैं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। या फिर दे देगा कि हाथियों के झुंड में हाथियों के झुंड में हथनिया नहीं, हाथी जो होते हैं ग्रुप के लीडर होते हैं, जबकि हाथियों के झुंड में ना सबसे बुजुर्ग जो हथनिया होती है वह ग्रुप का लीडर होती है, ठीक है। तो वहां पे दे देगा कि हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी जो होता है ग्रुप का लीडर होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा, उस समय जानते हैं एग्जाम के टेंशन में आदमी छोटा छोटा बात भूल जाता है। दे देगा कि हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, दे देगा कि हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत कीचड़ में खेलना पसंद नहीं है, वो कीचड़ से प्राय दूर रहते हैं, ये चीज हम लोग का इतना छोटा छोटा चीज दे देगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बुक तो हम लोग को जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर कुछ पूछना नहीं है तो फिर हम क्लास यहाँ पे फिर ऑफ कर दे। जी मैम, थैंक यू।